नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 5 मार्च 2000 निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन थ्रू में आप लोग है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और ये जो फाइल है इसका कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, ये आप लोग को कैसे मतलब आसानी से प्रॉफिट करवा सकता है, तो ये भी आप लोग को वो सब वीडियोज़ भी आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को दिया जाएगा, उधर मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इधर जो ये जो सैम्पल फाइल है इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को उधर दिया जाएगा। जो लोग एलिस ब्लू एंजल, तो इधर से थोड़ा सा अपडेट जाने का प्रॉब्लम है, लेकिन वी आर सर स्टिल इन स्ट्रॉन्ग पावर, तो इसीलिए मार्केट अभी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। और इधर जो ऊपर का जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसका 160 एक्चुअली 11,800 के ऊपर ही है। पहले वाला जो अप ट्रेंड था वो पकड़ सकता है। और नीचे जो है फिलहाल देखिए 11,175 में इसका फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 11,175, उसके बाद 11,080 के में एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद अभी नीचे देखते हैं ट्रेंड तो डाउन ही दिखा रहा है, क्लोजिंग जाके क्लोजिंग पता चलता है कि बायर्स कोशिश कर रहा है, लेकिन वी आर सर स्ट्रॉन्ग इन स्टिल इन स्ट्रॉन्ग पावर। तो इधर बैंक निफ्टी में केस भी ऐसा हुआ है कि देखिए इधर पहले ओपनिंग हुआ कोशिश तो गया है, स्ट्रॉन्ग पावर है, लेकिन बार्स भी कोशिश सेम टाइम कोशिश कर रहा है। के आर आर्ट में इसका 185 आप लोग पकड़ सकते हैं, इसका 185 में इसका फर्स्ट सपोर्ट बनेगा। उसके बाद जो सपोर्ट देख रहा हूँ वीकली सब रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल 3 जो है वो है 11,620 के आसपास, 11,600 का नीचे, 11,600 का नीचे। उसके बाद 27,600 का नीचे, उसके बाद 27,350, उसके बाद फिर और भी नीचे आ सकता है। इसका भी जो पहले वाला जो मेरा कंप्यूटर में भी थोड़ा सा 11,025 के आसपास नीचे, और मैंने 11,010 में प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इधर 11,108 थे, लेकिन इधर जब 28,000 कर दूंगा तो इसका प्रॉबिलिटी कम जाता है। तो इधर 28,000 का नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो 28,500 का हिसाब से ये 28,500 और 11,200 का हिसाब से ये जो ऑप्शन चेन में दिखा रहा है सपोर्ट रजिस्टेंस उसी का पर मैंने इधर दिया है, तो उसी का हिसाब से ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन 28,000 में या 11,100 का 28,000 में या 11,100 का नीचे जाने का प्रॉबिलिटी कम है, मतलब होने का फिर अर्निंग करने के लिए थोड़ा सा फ्रेश एडिशन हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये लगता है थोड़ा सा मतलब मार्केट को आग ले जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब बुल्स आर कम्स इन टू प्ले कमिंग इन टू प्ले, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा नीचे जाए ऊपर ले जाने का को स्ट्राइक प्राइस में। इधर देखिए इधर भी फ्रेश एडिशन हुआ है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कम है, लेकिन और इधर 11,000 है, तो इधर देखता है तो इधर 11,100 का नीचे अभी जाने का प्रोबेबिलिटी कम है और 11,400 का प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसी का अंदर मार्केट मूव करेगा ऐसा ही लगता है। और वह स्ट्रेंथ ज़्यादा है शॉर्ट Thank you.